हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही सरल है और ये मैंने पुराने लोअर्स से बनाया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में बना सकते हैं और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट ये बनकर रेडी हुआ है। जब आप आगे वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने इसमें अंदर क्या यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोअर्स पड़े रहते हैं जो थोड़ी बहुत कट लग जाते हैं या थोड़ी बहुत फट जाते हैं, हम उनको यूज़ नहीं करते और पूरे हमारा सही रखा रहता है। तो ऐसे ही लोअर का यूज़ आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारे घर पर लोअर्स पड़े हैं तो उन लोअर को आप इस तरीके से ऐड करके मल्टी कलर में भी आप इसकी ऐड करके सारे लोअर्स को काफ़ी बड़ी आप इसमें चटाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने इसमें दो लोअर का यूज़ किया है और काफ़ी इसका सुंदर एकदम ब्यूटीफुल रेडीमेड जैसा लुक आता है और काफ़ी मजबूती से अंदर से मैंने डबल डबल सिलाई लगाकर इसको बनाया है, तो एकदम लाइफ टाइम ये फटने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली और भी नई नई डिज़ाइन की वीडियो से आप रेगुलर अपडेट रहें। बहुत सारी न्यू न्यू डिज़ाइन की वीडियो इस तरीके की पायदान की मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। डोरमेट को बनाने के लिए इस तरीके से लोअर ले लेना है। आप कोई भी कलर के लोअर ले सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी प्रकार के आपको इसमें लोअर ले लेने हैं। तो अब हम इसको ओपन करके और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये इस तरीके के छेद था, इसीलिए मैंने इसको यूज किया है। और अब हम इसकी ओपन करके कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे। और अगर आपको इस तरीके से लोअर का नहीं बनाना है तो आप इसमें ट्राउज़र और प्लेन पैंट भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा ये इस तरीके से ओपन हो गया है और अब हम जो हम बेस की लंबाई चौड़ाई रखेंगे उसी की चौड़ाई के हिसाब से हमें इसकी लेंथ की माप करनी है। तो ये हमारे 16.5 इंच है और ये किनारी हम इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं नीचे की। तो इस तरीके से पूरी कट कर देंगे। तो जो स्ट्रिप की माप होगी इसमें, जो भी हम बेस बनाएंगे उसकी चौड़ाई के हिसाब से होगी। तो जो भी आपके बेस की चौड़ाई हो उसकी एक्चुअल माप से ही हमें ये स्ट्रिप काटनी है। जैसे आपके बेस की चौड़ाई है 16 इंच, तो 16 इंच की चौड़ाई की ही हम स्ट्रिप काटेंगे इस तरीके से। और इसमें जो हमारा एक हिस्सा है इसमें हम दो स्ट्रिप काटेंगे और दो स्ट्रिप हम इस साइड से काटेंगे, तो टोटल हमारी इसमें से 4 निकल आएंगे। तो 20 से हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं। तो दोनों साइड हमें निशान लगा देना है इस तरीके से, 20 सेंटर पर निशान लगा देंगे तो 4 स्ट्रिप हमारी इसमें से निकल आएंगे। और इस तरीके से ये किनारी बीच की जो है सिलाई पड़ी है इसमें, इसको निकाल देंगे और यहाँ से हम इसको बीच से कट कर देंगे। तो जो भी स्ट्रिप में चौड़ाई है उसको हम इस तरीके से एकदम बराबर बराबर कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हमारी इसमें भी थोड़ी इस तरह साइड से चौड़ी है तो इसको भी कट कर लेंगे। तो हमें सारे स्ट्रिप की चौड़ाई एकदम सेम रखनी है। तो जो भी आपकी छोटी बड़ी हो तो उसको इस तरीके से एकदम बराबरी से कर लेना है। तो ये हमारी थोड़ी किनारे से चौड़ी है ऊपर साइड से, तो मैंने सारी कैंची से कर ली हैं और अब हमारी 16-16 इंच लंबाई में ये स्ट्रिप कट गई हैं। तो इसी तरीके से हमने जो हमारा ब्लैक लोअर था उसकी भी स्ट्रिप काट ली है और उल्टे साइड से इसका कलर ज़्यादा अच्छा था तो हम इसको उल्टे साइड से ही फ्रंट करेंगे। तो और ब्लैक वाला भी उल्टे साइड से ही ज़्यादा कलर इसका अच्छा था तो उल्टे साइड से ही मैंने इसको कपड़े को यूज किया है। तो इसी प्रकार से आपको जो भी आपके बेस की चौड़ाई हो चौड़ाई के हिसाब से आपको लेस काटनी है, क्योंकि हमारी डिजाइन चौड़ाई में बनेगी तो चौड़ाई के हिसाब से ही हमें सारी स्ट्रिप कट कर लेनी है। इस तरीके से ब्लैक वाले स्ट्रिप की हमने चौड़ाई रखी है 3 इंच और ये जो हमारी वाइट है इसकी रखी है मैंने 3.5 इंच। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी आपको बड़ी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है जिस भी पट्टी की उसकी आप रख सकते हैं, या बराबर करना हो तो आप बराबर भी कर सकते हैं। और इसी स्ट्रिप की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही हमने फॉर्म की सीट की ये पट्टियाँ काट ली हैं। तो इस तरीके से जो हमारी साड़ियों में निकलती है और रेडीमेड कपड़ों में निकलती है वही फॉर्म मैंने जोड़ जोड़ के रख ली है, उसी की मैंने सारी स्ट्रिप की ये पट्टियाँ काटी हैं, क्योंकि हम ये पूरी एकदम फ्री कॉस्ट में चटाई बनाकर रेडी करेंगे। और इसके लिए आपको बेस बनाने के लिए एक बेडशीट का कपड़ा ले लेना है। तो ये मेरे पास एक मोटी बेडशीट का कपड़ा था, हम उसी को इसमें यूज़ करेंगे। और अगर आपकी बेडशीट पतली हो तो आप डबल भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें एक स्ट्रिप रखकर और किनारी पर सिलाई लगा देना है
और इसी नाप की हमने जो स्ट्रिप काटी है स्पंज की उसको रख देना है। तो मेरे पास छोटे छोटे स्पंज के पीसेस थे इसलिए मैंने इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप काटी थी, कुछ मेरे पास बड़े पीसेस भी थे। और अगर आपके पास छोटे बड़े जैसे भी हो, अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा छोटे छोटे हों तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और बड़े बड़े हों तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं अंदर स्पंज डालने का। तो एक आप स्ट्रिप अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, एक आप पूरी इस तरीके से सीट बिछा कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। तो सबसे पहले हमने एक सिलाई लगा दी है स्ट्रिप पर किनारे से, और डबल स्ट्रिप हमने इसके अंदर रखी है। तो डबल डबल हमने इसमें यूज की है। अगर आपको जितनी ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप डबल यूज कीजिएगा, अगर थोड़ी पतली बनाना हो तो आप एक स्पंज डालिएगा। इस तरीके से हमने इसमें दो यूज की है पट्टी, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। और इस तरीके से आपको स्ट्रिप रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो हम इस तरीके से डबल डबल स्टेप रखते हुए, और एक रख गई हमारी, और दूसरी रख देंगे इसके ऊपर से, और इसको ऊपर से इसको पलट देंगे, और फिर से इसकी किनारे से किनारे मिलाते हुए और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब हम ब्लैक वाली पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही ईजिली इस पर मशीन चलती जाती है फ्रेंड्स। और इस तरीके से इसकी दोनों की स्ट्रिप की किनारे से किनारे मिलाते हुए फिर से हम सिलाई लगा देंगे। तो अंदर से हमने प्रॉपर हर स्ट्रिप पर डबल डबल सिलाई लगाई है, तो काफ़ी अंदर से मजबूत हो गई है ये। प्रत्येक स्ट्रिप पे हमने डबल डबल सिलाई लगाई है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, पीछे से भी अच्छे से हमारी ये लॉक होती जाती है, और इस तरीके से काफ़ी स्पंजी हमारी ये डोरमेट बन जाती है। तो अगर आपके पास इस तरीके की बड़ी सीट हो तो आप डबल रखकर इस तरीके से यूज करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, या तो आप पट्टी काट लीजिए या फिर इस तरीके से पूरी फ्लैट बिछाकर और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप रखकर और सिलाई लगाते जाइए। तो प्रोसेस यही है इसकी, एक के बाद एक कलर हमें रखना है और किनारे से किनारे मिलाते हुए दोनों पट्टियों की, और इस तरीके से इसको पलटते जाना है। तो अब हम आगे देखते हैं इसको किस तरीके से हमें ये सिलना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी हो गई है हमारी एकदम रेडीमेड जैसी ब्यूटीफुल घर पर ही डोरमेट, और एकदम जीरो कॉस्ट में बनकर ये रेडी हुई है। तो इसी तरीके से आप भी अपने लोअर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना और लाइक करना। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक।